जय श्री राम, जय श्री राम। आज हमनी की वानर सेना युद्ध में बहुत बुरा तरह से घायल भइल बा काकाश्री। लंका सेना के भी बुरा दशा भइल हा। रावण तो दू बार मूर्छित भइल हा। परंतु जब तक वो सचेत रहल त्राही त्राही मचा दे रसू। प्रभु श्री राम के शरीर पे भी आघात के लसु। लगत काल के युद्ध अंतिम युद्ध होगी। काहे कि अब अकेले रावण और ओकर दो चार गो सेना नायक ही बाचल बाड़े। परंतु तू लोग भुला रहल बाड़ा, अकेले रावण समस्त राजा के सेना सब के संहार कर सकेला। और अब तक ओकर सर पे काल मंडरा रहल बा। वो सर्वनाश ही सोची, फिर चाहे के वो अपन होके चाहे शत्रु, ऐसा शत्रु से सचेत रहे के चाहिए। और यो याद रहे कि शत्रु माया भी है। वो जाना था कि आज की रात युद्ध के अंतिम रात है। दीदी, दीदी, हाँ दीदी, भोजन करी। भोजन के समय का सोच रहल बानी? जब से राम और राक्षस सब के युद्ध के बारे में सुन ले बानी, मन में विचार की युद्ध चल रहल बा। सीता के हरण भइल बा सुमित्रा। दीदी, हमनी के राम रावण से युद्ध करके सीता के मुक्त कराई, फिर का सीता के जीवन में उथल पुथल ना होखी? का सोची है लोग सीता के बारे में? राम का सोची का दोनों के संबंध पहले जैसन रह पाए? सुमित्रा, कहे गो प्रश्न उठ रहल बा हमार मन में, जिनकर उत्तर ढूंढे खातिर हम भयभीत हो रहल बानी। भविष्य के जाने खातिर हम डरा रहल बानी। कह कही हमें सोच सोच के परेशान हो रहल बानी सीता के बारे में। का भाग्य लेके जन्मल बाड़ी सीता, एगो राजा के पुत्री वनवासिन बन बैठली, और ऊपर से एगो पराया पुरुष उनकर हरण कर लेलस। का अपराध रहे सीता के? का अपराध रहे जे उनका राक्षस रावण के बुरा दृष्टि के शिकार होके के पड़े? कहल जाला उहे होखेला जौन विधि के विधान होखेला। हम पूछा तानी, विधि के विधान का केवल स्त्री सब के कष्ट देवे खातिर ही बनेला? जन्म लेवेली त माता पिता अपना आप के अभागा समझे ले, युवा हो खेली त पराया घर भेज दी जाली, पुत्र ना जन्मे त लांछन उनका पे लागेला, पति स्वर्गवासी हो जाए तई स्त्री के दुर्भाग्य। दोष ओकर होखे चाहे ना होखे, बाकी कलंकिनी उहे मानल जाली। कह कही सुमित्रा मन में ता आवेला कि सीता के लेके हम भगवान से लड़ जाएं। पूछी उनका से कि का दोष बा सीता के, जे उनकर झोली में सुख डाले के बजाए दुखी दुख दे रहल बाड़े? काहे परीक्षा ले रहल बाड़े उस सीता के? काहे?
हमार बायांग फड़क रहल बा माता त्रिचटा। सूर्यास्त से पहले पहले हमरा इस शुभ समाचार मिल जाए कि प्रभु श्री राम के विजय भइल बा। ऐसने होखी पुत्री, परंतु रावण भी भगवान शिव से अपन विजय के आशीर्वाद लेवे खातिर शिव मंदिर में प्रार्थना कर रहल बाड़े। हे महादेव, सभे कहेला हम अहंकारी हैं। हे महादेव, हम कभी केहू के शक्ति नहीं छिले। अपन घोर तपस्या से हम उनका के प्राप्त कैले बानी। हे महादेव, अपन तप से प्राप्त शक्ति पर गर्व कैल का अहंकार है। हे महादेव, रवा जाना ताने रावण के शीश रौरा अतिरिक्त सृष्टि में केहू के समक्ष नहीं खे झुकल और ना ही झुकी। हे महादेव, हमरा के विजय श्री के आशीर्वाद देही। ओम नमः शिवाय। आज के सूर्यास्ती बता दी ही कि केकर सूरज डूबल बा राम के कि रावण के, केकर सौभाग्य के सिंदूर मिटल बा सीता के कि महारानी मंदोदरी के। स्वामी, ऐसन मत कही, हमरा के विधवा मत बनाई। ए युद्ध के बिना युद्ध कैले ही अंत कर दी। महारानी, सीता के लौटा दी। महारानी, रावण सीता के लौटावे खातिर नखे आई। जब तक रावण जीवित बा, संसार के सब दिव्य शक्ति मिलके भी सीता के रावण से मुक्त नखे करा सका। कैसे समझाई हम रउआ के स्वामी, भला भगवान से भी केहू जीत सकल बा जे रउआ। भगवान 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 भगवान। महारानी, रउआ राम के एगो भगवान मानी लेना। हो सकेला राम साधारण नर ना होखे। कहे कि इंद्रजीत भी कहत रहे, राम नर ना नारायण हा। जदि साच बा तब जीत रावण के होखी। महारानी कहे कि स्वयं नारायण के रावण के मारे खाती धरती पे आके भटके पड़ रहल बा। रावण के यश गाथा भला के भुलाई। महारानी, रावण अजय हा अमर हा। रुक जाई स्वामी, मंगल तिलक तो करवावत जाई। मंगल कौनो अपशगुन, रावण के विजय श्री में बाधक नहीं के बन सकत। महारानी, महारानी कई बार बोल चुकल बानी, अपशगुन रावण के का बिगाड़ी। महारानी, अपशगुन जिनका कारण होखेला उ सब रावण के अधीन बाड़े। रावण उ सब के बंदी बना के रख ले बा। किंतु स्वामी, हमार रवा से प्रार्थना बा कि रवा लंका के भविष्य के बारे में सोची। महारानी, लंका के भविष्य का रावण जानेला। रावण वर्तमान के ऊंचाई से भविष्य के देखेला। महारानी, भविष्य के देखेला। महारानी,
और भविष्य इहा कि राम के संघार हमरे हाथे होखी और ओकर चिता के साथ ही और सब अपशगुन जल के भस्म हो जाई। महारानी ऐ ब्रह्मांड में केवल एक्के स्वामी होखी लंकेश दशानंद रावण। काहे महारानी रउआ विश्वास नहींखे हो रहल? आई आई हमरा साथे। ई देखी महारानी ये नाव ग्रह हवे हमरा अधीन बाड़े हमार बंदी बाड़े अभी केवल हमार आदेश के पालन करी हैं। महारानी इस सृष्टि में जौन भी उथल पुथल होखेला केवल इनके प्रभाव से होखेला। हमार विजय मार्ग में ही बाधक नैखन बन सकत कहे कि केवल हमार आदेश के पालन करेले। आई महारानी महारानी यह बुद्ध ग्रह सब पर हम जब आक्रमण कैले रही तई बुद्ध हमरा से युद्ध करे आइल रहे। अभिमानी रावण नौर मति भ्रष्ट भइल बा। जे तू हमनी ग्रह सबके साथे शत्रुता कर रहल बाड़े हमनी सब अब तक तोर हर प्रकार से रक्षा कैले बानी परंतु अब तोरा के तोर अहंकार के दंड देवा ही के होखी। के दीही हमरा के दंड तू? नाम बुद्ध और रावण के दंड देबा रावण से युद्ध करबा बुद्ध अपन भाग्य के सराहा जन्य ग्रह सबके साथ मिल गई तहरा ऐसे ग्रह मंडल में भ्रमण कर रहल बाड़ा अन्यथा त्रिलोक में तारा आपन पहचान तक ना मिले। हमरा आपन पहचान करावे आवेला ये मंगल हा काही उहे ग्रह जेकरा कारण लोग मांगलिक हो जाले। हाँ महारानी और आपन प्रभाव हमरा पे दिखावे खातिर हमरा से युद्ध करे आयल। स्वामी इत राहु और केतु हवे ना? पूरा जगत के प्रताड़ित करत रहेले। स्वामी ई कवन ग्रह है जेकर पीठ देख के ही मन में भय उत्पन्न हो रहल बा? ई है शनि। जितना हंसे के बा हंसला दशानन तहर मृत्यु के पश्चात लंका में विलाप ही विलाप सुनाई दी।
जाने। हम रावण है शनि रावण, देवता के देव इंद्र भी हमरा सामने अपन शीश झुकावे ले। तू हमार लंका में विलाप करे के बात करत बाड़ा, तू सब ग्रह के हम इतना रोआईब, इतना रोआईब कि तू सब के दृष्टि धुंधला पड़ जाई। तो सब प्रभावहीन हो जाइबा, और यही से हम ज्योतिष आचार्य के बुलौले बानी। ज्योतिष आचार्य जौन कही है वो हम तारा के अभी बतावत नहीं। का बताइबा आपन अंत के बारे में? ना कहा अंत के बारे में। अब समय आ गई बा रावण, मृत्यु तहरा के चारों ओर से घेर ले ले बा, और श्री राम ही तहरा जीवन से मुक्त करी हैं। अब तहार मृत्यु निश्चित बा, निश्चित बा रावण। प्रभु रवा जौन कुछ भी सुन ली वो सत्य बा, युद्ध स्थान में ना तो राक्षस सेना बा और ना रावण। एक अर्थ का भल भैया का रावण अपन पराजय स्वीकार कर ले ला? प्रभु महाराज विभीषण के गुप्तचर अभी अभी भी समाचार लाइल भाड़े कि रावण ज्योतिषाचार्य के बुलाने पर। लागत रावण के आत्मविश्वास डगबगा गए बा, आपन पराक्रम और शौर्य के स्थान पे वो विजय प्राप्त करे खातिर ज्योतिष के ग्रह नक्षत्र सबके सहायता लेवे चाहत बा। बड़ा आश्चर्य लागत बा प्रभु, युद्ध के अंतिम क्षण में रावण के ज्योतिष आचार्य की आवश्यकता कहां पड़ गई? प्रणाम लंकेश। ज्योतिष आचार्य, हम रउआ के यहाँ आवे खातिर कष्ट ऐसे देनी, हम ये युद्ध के परिणाम जाने खातिर उत्सुक पानी। हमार जन्म कुंडली के ग्रह के ज्ञान रउआ भली भांति पा, हमार मित्र ग्रह, हमार शत्रु ग्रह, इनकर गति के भी ज्ञान रउआ भली भांति बा। रउआ आज तक जे भी कहले बानी सत्य भइल बा। हम चाहतनी ये युद्ध के परिणाम जानल, रउआ हमरा के बताई। जैसन राव राज्ञा लंकेश आई। अब बताइए रहुआ स्वयं ज्योतिष के विद्वान बानी लंकेश, रहुआ अपन कुंडली के भली भांति जाने ली, रहुआ ग्रह के प्रभाव के भी जाने ली, फिर भी यदि रहुआ हमार मुंह से ही सुने के चाहता नहीं और कुंडली में मृत्यु योग बा। मृत्यु योग
हमार कुंडली में मृत्यु योग। ई योग बनल बा ग्रह सबके कारण। हम ग्रह सबके स्थिति ही बदल दे। जय श्री राम।